नमस्कार दोस्तों, बी टाउन हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले सलमान खान सर की आने वाली फिल्म बॉडीगार्ड 2 मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों आप भी अगर सलमान खान सर के ट्रू फैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि सलमान खान सर की आने वाली मूवी की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले इसी चैनल में मिल जाए, और पुराना है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बॉडीगार्ड फिल्म 2011 में आई थी और ये एक एक्शन कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। दोस्तों बॉडीगार्ड फिल्म को डायरेक्शन दिया था सिद्दीकी ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था अतुल अग्निहोत्री ने, अलविरा खान अग्निहोत्री ने, निखिल निमित ने दोस्तों, और इस फिल्म के डायलॉग भी लिखे थे सिद्दीकी ने और जेपी चौकसी ने दोस्तों। बॉडीगार्ड फिल्म के डायलॉग और सॉन्ग दर्शकों को बहुत ही पसंद आए थे दोस्तों। और इस फिल्म की स्टार कास्ट में लीड रोल में हमें बॉलीवुड के मेगा स्टार सलमान खान के ऑपोजिट करीना कपूर देखने को मिली थी। इस फिल्म में आदित्य पंचोली, चेतन, राज बब्बर, हेजल किच जैसे बढ़िया स्टार देखने को मिले थे दोस्तों। बॉडीगार्ड फिल्म को 55 से 60 करोड़ के बजट में बनाया था और इस फिल्म ने अपने वर्ल्ड वाइडली 234 करोड़ का जबरदस्त बिजनेस किया था और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 9 साल बाद मेकर्स इस फिल्म का पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बॉडीगार्ड 2 फिल्म का नाम रहेगा और इस फिल्म की स्टारकास्ट में लीड रोल में फिर से सलमान खान देखने को मिलेंगे और उनके ऑपोजिट अब करीना कपूर की जगह पर हमें श्रद्धा कपूर रोमांस करती नजर आएगी दोस्तों। यानी कि इस फिल्म में सलमान खान करीना कपूर की जगह पर श्रद्धा कपूर के बॉडीगार्ड बने हुए नजर आएंगे दोस्तों। ये भी एक रोमांटिक लव स्टोरी फिल्म रहेगी। इस फिल्म के बजट के बारे में बात करें तो दोस्तों कम से कम 100 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनाया जाएगा, क्योंकि इस फिल्म में दमदार एक्शन और VFX देखने को मिलेंगे। पावरफुल डायलॉग भी रहेंगे दोस्तों, जिस तरह से बॉडीगार्ड फिल्म में रहे थे उस तरह से। दोस्तों रिलीज डेट की बात करें तो इस फिल्म की रिलीज डेट अभी तक ऑफिशियल कन्फर्म नहीं हुई, क्योंकि ये फिल्म अभी तक ऑन द फ्लोर नहीं आई, क्योंकि शूटिंग स्टोरी अभी तक कोई भी कन्फर्मेशन नहीं आई दोस्तों। पर अगर दोस्तों ये फिल्म बन के ऑन द फ्लोर आती है तो बॉडीगार्ड 2 फिल्म अपने लाइफ टाइम में आराम से 300 से 350 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस करेगी इंडियन मार्केट पर, क्योंकि सलमान खान सर की फैन फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है दोस्तों तेज़ी से। और जिस तरह से उनके इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, उस हिसाब से कह सकते हैं कि उनकी आने वाली फिल्म राधे भी 300 से 400 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस करेगी। दोस्तों राधे योर मोस्ट वांटेड भाई वांटेड का पार्ट 2 है ऑफिशियली, और उस फिल्म की स्टारकास्ट में सलमान खान के ऑपोजिट दिशा पटानी रोमांस करती नजर आएगी, जैकी श्रॉफ, रणदीप हुड्डा देखने को मिलेंगे दोस्तों। राधे फिल्म की शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, सिर्फ एक आइटम सॉन्ग ही बाकी है दोस्तों। राधे योर मोस्ट वांटेड भाई फिल्म दिवाली पर रिलीज हो सकती है दोस्तों, और उस फिल्म का बस भी दर्शकों के बीच हाई है। जिस तरह से उस फिल्म का बस बना हुआ है, उस तरफ से वो राधे फिल्म अपने लाइफ टाइम में 300 से 350 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस करेगी और सलमान खान की चौथी फिल्म बन जाएगी जो 300 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस करने वाली है। तो दोस्तों आप इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।